पिछले 5 सालों से जनता उनसे हिसाब मांग रही है, लेकिन उन्होंने कभी इसका सीधा जवाब और हिसाब नहीं दिया। अपनी हार तय देखकर उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में गलत अफवाह फैलाकर मेरे पिताजी को बहुत ठेस पहुंचाई है और उसके लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। जो शहर के हालात मैंने देखे हैं वो विचलित करने वाले हैं। और हाँ, जो समर्थन और समाज ने जो सम्मान दिया है उसके सारे वर्गों से जो हमें प्राप्त हुआ है वो काफी उत्साहवर्धक है। चूंकि अब प्रचार का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और ये भी तय है कि बदलाव की आंधी मुजफ्फरपुर विधानसभा में चल रही है और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया है उसके अनुसार हम 75,000 वोटों के जीतेंगे या पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे। विगत कुछ दिनों से जब से मैं प्रचार में उतरी हूँ मैंने वर्तमान विधायक के कुछ वीडियोस देखे हैं और अखबारों में पढ़ा है जिसमें वो मुजफ्फरपुर के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने 15,070 करोड़ रुपए खर्चने की बात कही है। हम जानना चाहते हैं कि वो 15,070 करोड़ रुपए कहाँ गए, जनता भी जानना चाहती है। पिछले 5 सालों से जनता उनसे हिसाब मांग रही है लेकिन उन्होंने कभी इसका सीधा जवाब और हिसाब नहीं दिया। अपनी हार तय देखकर उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में गलत अफवाह फैलाकर मेरे पिताजी को बहुत ठेस पहुंचाई है और उसके लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी।